कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहवा की पहली प्रक्रिया सामने आई। करण माहवा ने कहा कि जिन प्रत्याशियों को हमने मैदान में उतारा है, उनको किसी उम्मीद से ही उतारा गया है। हमें इस बात की खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने स्वच्छ छवि के प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता। प्रत्याशी उतारे हैं तो कुछ उम्मीद से उतारे होंगे, और मैं खुश हूँ कि अच्छे प्रत्याशी हैं। हमारे टिहरी से भी जो जोत सिंह जी हैं, उनकी काफ़ी स्वच्छ छवि है और सबके साथ उनका मेलजोल अच्छा है, और लोगों में खासा उत्साह उनको लेकर है, क्योंकि नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी है। आज तक उनके ऊपर कोई दाग नहीं है किसी भी तरीके का, तो एक अच्छे प्रत्याशी के तौर पर है। गणेश गोदियाल जी हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, काफ़ी मजबूत दावेदार हैं, और पार्टी की सर्वे में भी उनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट वहाँ से आए हैं, और मुझे खुशी है कि एक मजबूत व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी गई है। और जैसा हम चाह रहे थे कि बड़े चेहरे भी चुनाव लड़ें, तो आदरणीय गणेश गोदियाल जी कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है, और उन्होंने चुनाव में उतरकर कांग्रेस की जो बात थी उसको आगे बढ़ाने का काम किया है।